अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं, वीडियो को देखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं। कुछ ऐसी खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। क्योंकि आप लोगों की सैलरी बढ़ रही है, वो कौन कौन से लोग हैं, कैसे हैं और कौन से फील्ड में काम करते हैं, गिरफ्तारी, चेकिंग और भी हम बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप किसी भी एरिया में रहते हैं, अभी बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया है शार्क एरिया, जो शार्क मार्केट है, जो मछली मार्केट है, काफी बड़ी है यहाँ पर जो है मुबारक एरिया में और जलेब में, खैतान में, इस तरीके से बहुत सारी जगहों पर लगभग 212 वर्कर को पकड़ा गया है। और ये सभी वो वर्कर हैं जो कि कुवैत के अंदर काम काज कर रहे थे और ये सारे लोग जो काम कर रहे थे, इनके पास में वैलिड जो थे सिविल आईडी कार्ड थे, लेकिन ये अपने काम को छोड़ के दूसरा काम कर रहे थे। तो इस तरीके से अगर आप कहीं पर भी काम काज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सावधानी बरतें, सतर्क हो जाएं, क्योंकि अगर अपने काम को छोड़ के दूसरा काम करेंगे तो आपको जरूर पकड़ लिया जाएगा। और ये चेकिंग काफी ज्यादा तेजी से कुवैत के अंदर किया जा रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है, निकल के हवली एरिया में एक अभी चोरी का मामला सामने आया, जो कि हवली एरिया में एक बंदे ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी गाड़ी खड़ी थी, उसकी किसी ने चुरा लिया। जैसे रिपोर्ट दर्ज कराया, उसको छानबीन की गई तो दो लोग उसमें पकड़े गए और दोनों लोग जो थे वो पकड़ के अब उनके ऊपर आ गई कार्रवाई की जाएगी। तो ध्यान रखें, अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का खास करके ध्यान दें, कहीं पर भी इलीगल एक्टिविटी बिल्कुल ना करें। अब बात कर लेते हैं, जितने भी नर्सेज है कुवैत के अंदर, लगभग 10,000 जहाँ वो नर्सेज हैं, तो उनकी सैलरी हर महीने 50 KD बढ़ाई जाएगी। तो उसमें एक अच्छी खबर है कि अगर आप काम काज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अब इन लोगों की सैलरी बढ़ने वाली है। अगर आप कहीं से भी काम काज कर रहे हैं तो ध्यान दें, सावधानी बरतें और ध्यान दें उन्हीं लोगों की जिनमें सैलरी बढ़ाई जा रही है, जिनका रिकॉर्ड अच्छा है, जो पहले अच्छे से काम काज कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि सभी को, लेकिन इसमें एक कैटेगरी 10,000 की दे रखी है और आने वाले वक्त में और भी लोगों की बढ़ाई जाएगी। बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है, निकल के एक फार्मेसी बंदा चला रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है और उसका रीजन यह है क्योंकि वो काफी समय से जेलों के अंदर दवाई देने का काम करता था, लेकिन उसके साथ साथ ही जो था वो नशे की गोलियां देता था और इस तरीके की दवाई दे रहा था जो क्या परमिशन नहीं है कुवैत के अंदर देना। तो उसको 5 साल की सजा सुनाई गई है और वो मिस्र का बंदा बताया जा रहा है। अब उसको 5 साल के बाद डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप कहीं पर भी काम काज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इस तरीके से सावधानी बरतें, सतर्क हो जाएं, क्योंकि इस तरीके से आप काम करते हुए कहीं पर भी पाए गए और इलीगल एक्टिविटी करते हुए कहीं पर भी पाए गए तो आपके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी जरूर से जरूर फॉलो कर लें और इसी तरीके की जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। कमेंट करके अपनी राय बताएं, वीडियो कैसा लगा। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।